बिसम नबून रसोल कर करीम अम्माबाद हदीस में आता है कि एक आदमी अगर गुलाम आज़ाद कर देता है तो गुलाम आज़ाद करना ऐसा अमल है ऐसी नकी है किसी को आज़ाद करना कि अल्लाह ऐसे शख़्स को ऐसा अमल करने वाले की गर्दन को जहन्म से आज़ाद कर देता है यानी आपने दुनिया में एक ाम को आज़ाद किया अल्लाह ने आपको जहन्म से आज़ाद रिहाई कर अता कर दी इतना बड़ा नेकमल है तो हम आशर् नजात की बात कर रहे हैं जहन्नम से हमें निजात चाहिए तो एक सबब यह भी है कि हम कोई गुलाम आज़ाद कर दें आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ग़ुलाम कहाँ से आज़ाद करें ग़ुलाम तो मौजूद ही नहीं है इस्लाम हमारा बड़ा प्यारा बहुत ख़ूबसूरत दीन है बहुत से ऐसे अहकाम शरीयत ने दे दिए कि भाई इस पे अमल कर लो अल्लाह ताला वही सवाब बता कर देंगे जो गुलाम को आज़ाद करने का है मैं आपको कुछ दुआएं कुछ अदकार बताता हूँ जो से साबित हैं और उनके बारे में हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला आपको तर अजर अता फ़रमाएंगे हदीस में आता है हजूर अल सलात वाम ने इशाद फरमाया जो आदमी सुबह सौ दफ़ा ये पढ़ ले ला अलादहू ला शरीक लहू हुवा अला वहू शैइन कदीर आपने फ़रमाया अल्लाह ताला उसको दस ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फ़रमाते हैं कितना आसान काम और कितना बड़ा अजर फिर आशर नजात में अगर आदमी इसका एहतमाम कर ले सारी ज़िंदगी इसका मामूल बना के रखे कि दिन में सौ दफ़ा ये ज़रूर पढ़ना है तो एक गुलाम पर अल्लाह जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देते हैं तो अगर आप सौ दफ़ा पढ़ेंगे तो आपने सौ दस गुलाम आज़ाद कर दिए तो दस गुलामों पर अल्लाह कितना आजर अता करेंगे और जहनम से खलासी कितनी यकीनी और पक्की हो जाएगी और फिर आगे, आगे आपने फरमाया अल्लाह इस पर सो नहीं कियाँ अता करते हैं सो गुनाहों को वहाँ फरमाते हैं और फिर आपने आगे ये भी फरमाया कि कोई शख्स दुनिया में इससे बेहतर अमल नहीं कर सकता सिवाए उसके जो आदमी इस ज़िक्र को इससे भी ज़्यादा कर ले तो उसका स्वाब इससे बढ़ जाएगा

व अशहद् मोहम्मद عبدك ورسولك आपने फरमाया जो आदमी एक दफ़ा पढ़े मन ثلثه من النار जो आदमी इसको एक दफ़ा पढ़ेगा अल्लाह उसके वन थर्ड को एक तिहाई को जहन्नम से आज़ाद कर देंगे मन الله मर्रत من النار जो इसको दो दफ़ा पढ़ेगा अल्लाह उसके टू थर्ड दो तिहाई को जहन्नम से आज़ाद कर देंगे अमन खाल सलासन आ तु कल्ला और जो आदमी इस दुआ को तीन मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको मुकम्मल जहन्नम ताँग, से खलासी अता कर देंगे अगर हम चाहते हैं तो दिन में तीन दफ़ा पढ़ना ये कौन सा कोई मुश्किल काम सुबह तीन दफ़ा पढ़ लें शाम को तीन दफा पढ़ लें साथ साथ ला इल्लाहु ला शरीक लहू इसका विरध करें रमजान का महीना तो नयियों नेकी, नेकी कमाने का मौका है और फिर जब इसकी इतनी फजीलत है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा अजर सवाब अता कर रहे हैं तो फिर हमें इसका अहतमाम तो जरूर करना चाहिए और इसी के साथ साथ एक बड़ी अहम बात कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इशराक तक का जो वक्त है इसको कीमती बनाना चाहिए हमारे यहाँ रमज़ान में ये होता है कि फजर के फ़ौन बाद लोग सो जाते हैं तो फजर के फ़ौन बाद सोना नहीं चाहिए अशराक तक तो कम अज़ कम इंसान जिक्र करे तिलावत करे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता आधा पौने घंटे का टाइम होता है वक्त गुजर जाता है फ़जीलत इसकी कितनी है हदीस में आता हज़ू सलातम नेर्सात फरमायाद कुरून अल्लाह तिन सलात तत शम्स अहबिन इसमाइल कि अगर मैं ऐसे लोगों के पास बैठ जाऊँ ऐसे लोगों की मजलिस में बैठ जाऊँ जो फ़जर की नमाज़ के बाद से सूरज तुलु होने तक अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ये बात मुझे ज़्यादा पसंद है ज़्यादा महबूब है बन इसके कि मैं हज़रत अलैहि सलाम की औलाद में मौजूद चार गुलामों को आज़ाद कर दूँ इससे ज़्यादा मुझे पसंद है तो एक ग़ुलाम को आज़ाद करने से अल्लाह जहन्नम से ख़लासी अता फ़रमा देते हैं फिर वो ग़ुलाम हज़रत इसमाईल आल की औलाद में से हो हाशमी हो तो उस पर कितना सवाब मिलेगा फिर चार ग़ुलाम हुजूर ने फ़रमाया मुझे उससे ज़्यादा पसंद है इसका मतलब इसका सवाब उससे बहुत ज़्यादा है और आपने आगे फ़रमाया कि वो ग़ुलाम ऐसे हों दियत कुल्ली वाहि आशरा अल्फ़न जिनमें से हर एक की दियत बारह हज़ार हो वन अदिनियत कुरून अल्लाह मिनसलात आसर इला तब शम्स अहब्बालायमिन अरबाता और असर के बाद से मगरिब तक के वक्त में मैं अल्लाह का जिक्र करने वालों के साथ बैठ जाऊँ यह भी मुझे इस बात से ज़्यादा पसंद है कि मैं हजरत इस्माइल की औलाद में मौजूद चार गुलामों को आज़ाद कर दूँ इसका मतलब फजर से इशराक तक और असर से मगरिब तक का वक्त बड़ा कीमती है तो इसको जिक्र के लिए तिलावत के लिए दुआ के लिए अधकार के लिए ख़ास कर दें बाकी जो ख़रीदारी करनी है आराम करना है दीगर काम करना है इसके अलावा जो औकात हैं, उनको ख़ास कर लें इन औकात में अगर जिक्रुल्ला का अहतमाम कर लिया जाए न इबादत का एहतमाम कर लिया जाए अल्लाह की ज़ा से उम्मीद है कि ज़रूर अल्लाह तहनम से ख़लासी अता फ़रमाएंगे अल्लाह तेमल करने की तोफ़ी अतः फरमाए डब्ल्यू 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 डॉट तस् डॉट कॉम